हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते हुए प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने की विधि को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि आपको मोस्टली हर क्वेश्चन में इस विधि का उपयोग करना होगा। अब इस विधि का प्रयोग हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास दिया गया इंटीग्रेशन 9.1 के सूत्रों या बेसिक फॉर्मूलों से सॉल्व नहीं होता। और इसकी जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक संयुक्त फलन लेते हैं, जिसको y के इक्वल हम मान लेते हैं, और फलन है fgx, यानी फलन के अंदर एक दूसरा फलन है, कुछ इस प्रकार मान लेते हैं। आप याद कीजिए, जब हम ऐसे फलनों का अवकलन करते थे तो y का अवकलन dy/dx। अब इस फलन का अवकलन करने के लिए पहले हम बाहर वाले फलन f का अवकलन करते, तो बन जाता f', और उसके बाद इस अंदर वाले फलन का अवकलन करते तो हमें प्राप्त होता g'x। अब अगर हमें पुनः मूल फलन पे जाना हो तो हम इसका कर देते हैं समाकलन, जिससे हमें लेफ्ट हैंड साइड में होगा y, राइट हैंड साइड में हम इंटीग्रेशन में लिखेंगे f'gx इंटू g'x और dx। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हमने इसका अवकलन किया है तो पहले मुख्य फलन का अवकलन और उसके बाद अंदर वाले फलन का हमने अवकलन किया, लेकिन जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इससे उल्टा चलने के लिए हम पहले इस फलन को ख़त्म करेंगे और उसके बाद इस फलन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। और इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं, और हम gx का जो अवकलन हमारे पास मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पर gx को एक नया चर t मान लेते हैं और इसका अवकलन करेंगे। तो अब इसके अवकलन का मेथड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो gx है उसका अवकलन बढ़ेगा g'x, ये x के सापेक्ष करें। राइट हैंड साइड में जो है t, उसका अवकलन आप t के सापेक्ष ही करें, तो t के सापेक्ष अवकलन क्या बन जाएगा, 1। लेफ्ट हैंड साइड में जिसके सापेक्ष अवकलन किया है उसको गुणा में, राइट हैंड साइड में जिसके सापेक्ष अवकलन किया है उसको गुणा में लिखें। इस आधार पर यदि हम gx को t मानेंगे तो g'x dx की जगह हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, dt। ये मान जब हम इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमें y का मान मिलने वाला है इंटीग्रेशन f', जिसके अंदर वाली वैल्यू को हमने t माना था और उसके साथ जो वैल्यू थी वो बन गई थी dt। अब यहाँ पर यदि आप देखें तो x के स्थान पर आ चुका है t, और f' का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो वो सिंपली बन जाएगा f, तो यहाँ पर आंसर बनेगा ft प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यहाँ पर t हमारी मानी हुई चीज़ है, जिसका मान पुनः रखें तो t के स्थान पर आ जाएगा gx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस प्रकार यदि फलन के फलन का अवकलन किया जाएगा तो आगे चलकर उसका इंटीग्रेशन करके हम लोग जब मूल फलन पे आएंगे तो पहले हमें उस अवकलज को ख़त्म करना है जो बाद में मिला था, और उसके लिए हमें इस विधि का उपयोग करना है। अब इसके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए एक विधि है, उस विधि के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम उनका ध्यान रखेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है, आपको जो पहचान करनी है उसके लिए विधि है कि यदि इंटीग्रेशन के अंदर किन्हीं दो फलनों का संयुक्त फलन या गुणन उपस्थित हो तो हम ये ज्ञात करते हैं कि किस फलन का अवकलज dx के साथ गुणन के रूप में उपस्थित है। नेक्स्ट स्टेप में हम जिस फलन का अवकलज हमारे पास dx के साथ गुणा के रूप में उपस्थित हो उसे t मान लेते हैं। और यदि हम इसकी जो शुरुआत की थी यदि उस पर ध्यान दें तो आप यहाँ देखिए कि जब हमारे पास gx का अवकलन g'x dx के साथ गुणन में था तो हमने gx को एक नया चर t मान लिया था। अब इससे क्या होगा कि जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के सापेक्ष, वो आपका t में बदल जाएगा, जहाँ जहाँ dx है वहाँ पर dt आ जाएगा, और प्रत्येक x ख़त्म होकर t में बदल जाएगा। यदि हम आर्टिकल पर ध्यान दें तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि प्रत्येक जगह x के स्थान पर t आ चुका है, यानी इससे समाकलन का चर
बदल जाता है, जिससे आपका इंटीग्रेशन 9.1 के सूत्रों पर आधारित हो जाता है और उसको 9.1 के सूत्रों के आधार पर ही हम हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सिंपल था f't, यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके 9.1 का क्वेश्चन बन जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन करके हम लिख लेंगे f(t). और जब इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाए तो वापस हमने जो t मान रखा है उसको x के रूप में बदल कर हल लिख लेते हैं। और यदि आप इस आर्टिकल में भी ध्यान दें तो मैंने अंत में t के स्थान पर पुनः मान रख दिया है gx, जिससे आपका अंतिम हल मिल जाएगा। पहले हम दो बातों का और विशेष ध्यान रखने वाले हैं। यदि आपके पास जिस फलन का अवकलज उपस्थित हो, यदि उसके जो अवकलन में कोई कांस्टेंट का फर्क हो, प्लस माइनस का फर्क हो, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। यानी हमें सिर्फ अवकलन की ज़रूरत है, अगर कोई कांस्टेंट का अंतर भी हो तो भी हम उसको टी मानकर ही हल करते हैं। और दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि इस विधि का प्रयोग एक क्वेश्चन में एक बार ही किया जा सकता है। जब तक आपको आगे से आगे अवकलज मिलते जाएं, या यूं कहें कि आपका फलन या आपका समाकलन मानक सूत्र के रूप में ना आए, आप कितनी बार भी इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और आइए अब चलते हैं कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स की तरफ, जिसके बेस पर हम इस विधि को और डेप्थ से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन हो 2x गुणा में साइन एक्स स्क्वायर और dx का, तो पहले इसको i के इक्वल मान लेते हैं। अब यदि आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x है, जो कि गुणा के रूप में है dx के साथ। तो हमें यहाँ पर जिसका अवकलन मौजूद है उसको t मान लेना है। उसके बाद में आपने एक बार इस समाकलन को पूर्ण करने के लिए एक बार अवकलन करना है। अब अवकलन जब आप करेंगे तो जिस चर के फलन हैं उसी के सापेक्ष अवकलन करें। जैसे इधर x का फलन है तो x के सापेक्ष अवकलन बन जाएगा 2x, इक्वल में t है तो उसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा 1। लेफ्ट हैंड साइड में जिसके सापेक्ष अवकलन किया है और राइट हैंड साइड में जिसके सापेक्ष अवकलन किया है उसके आधार पर dx और dt का कर देते हैं गुणा। अब ये वाला मान हम लोग इस इंटीग्रेशन के अंदर प्रतिस्थापित करते हैं, और इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर के स्थान पे लिखेंगे t और 2x गुणा dx के स्थान पे कर देंगे dt यहाँ से, जिससे हमारा क्वेश्चन एक बेसिक इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, जिसमें x के स्थान पर है t। यानी अब हमें इस सूत्र का उपयोग करना है। साइन x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, माइनस कोस एक्स प्लस सी, यहाँ पर x के बजाय है t, तो इसका आंसर बन जाएगा माइनस कोस t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। t मानी हुई चीज़ है जिसका मान है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर पुनः एक्स स्क्वायर रखकर आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। यदि आप यहाँ से जांच करना चाहें तो माइनस कोस स्क्वायर एक्स का एक बार अवकलन कर लें, तो माइनस बाहर, कोस का अवकलन बन जाएगा माइनस साइन, और अंदर वाले एक्स स्क्वायर का अवकलन बन जाएगा 2x। ओवरऑल वैल्यू बनेगी 2x गुणा में साइन एक्स स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर था। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से इस प्रकार के समाकलन को हल किया जा सकता है। इसके बाद जब मैंने आपको पहले एक पॉइंट बताया था कि यदि कांस्टेंट का फर्क हो तो भी हमें जो अवकलन, जिस फलन का अवकलन हमारे पास होता है उसको टी मान लेना चाहिए। और इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज कीजिए ये पीछे वाला एग्जांपल है, लेकिन कुछ ऐसा है 2x के स्थान पर हमारे पास सिर्फ है x। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये नहीं सोचना कि एक्स स्क्वायर का पूरा अवकलन यहाँ मौजूद नहीं है, सिर्फ किसकी कमी है 2 की, और वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट की कमी ये खुद पूर्ति हो जाती है। जैसे हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को मान लेंगे टी, जिसका अवकलन बन जाएगा 2x, साथ में लगाएंगे dx, उधर 1 और साथ में लगाएंगे dt। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में 2 नहीं है तो मैं 2 का भाग लगा दूंगा दूसरी साइड में,
तो बन जाएगा 1/2 और dt। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, हम x और dx के गुणा के स्थान पर लिख देंगे 1/2 dt, ये 1/2 और dt, और इसके अंदर हम लिख देंगे साइन और t। कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन टी डी टी। अब साइन टी का इंटीग्रेशन अभी भी हमने किया, वो आया था माइनस कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। टी की वैल्यू वापस रख दें तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इस प्रकार यदि कॉन्स्टेंट ना भी हो तो भी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक अल्टरनेट मेथड भी है। सपोज़ कीजिए हमारा यही क्वेश्चन है और हम ये सोच रहे हैं कि एक्स स्क्वेयर का पूरा अवकलन यहाँ मौजूद नहीं है, तो वहाँ जो कमी है वो सिर्फ है 2 की। तो हम इसके साथ 2 का भाग कर देते हैं और 2 का गुणा कर देते हैं और पूर्व की भांति ही एक्स स्क्वेयर को टी मान लेते हैं, जिसका अवकलन होगा 2x dx इक्वल dt के रूप में। तो यहाँ बाहर 1/2, इसके स्थान पर आ जाएगा dt और साइन के अंदर एक्स स्क्वेयर के स्थान पर बन जाएगा t। तो ओवरऑल साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस सी, ओवरऑल आंसर माइनस 1/2 और कॉस एक्स स्क्वेयर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इसके उत्तर में कोई फ़र्क नहीं है। यदि आप कांस्टेंट की पूर्ति खुद अपने हाथ से कर दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यदि आप नहीं करते तो पीछे वाले एग्जांपल के जैसे ही ये पूर्ति अपने आप हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसी टाइप का एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जो कि है एक्स गुणा में साइन के अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस 3 और dx, जिसको हम i के इक्वल मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का अवकलन बिना कांस्टेंट के है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको टी मान सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को और इजी करने के लिए आप हमेशा, अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट भी हो तो इसको भी आपने साथ में टी मान लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत हम कुछ ऐसे करेंगे कि एक्स स्क्वेयर प्लस 3 को ही हम टी मान लेंगे। तो इसका अवकलन, एक्स स्क्वेयर का अवकलन बन जाएगा 2x, 3 का अवकलन बन जाएगा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं। गुणा करेंगे dx के साथ, t का t के सापेक्ष अवकलन 1 और गुणा करेंगे dt के साथ। इस आधार पर हम लोग x dx का मान निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2 dt। इससे आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा i इज इक्वल, इसके स्थान पर रख देंगे t और x dx के स्थान पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 और dt। 1/2 कांस्टेंट बाहर और dt अंदर। 1/2 को एज इट इज छोड़ा, साइन टी का इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। टी की वैल्यू वापस रखें तो हमारे पास टी की वैल्यू जो हमने मानी थी वो थी एक्स स्क्वेयर प्लस 3 के लिए, तो टी के स्थान पर आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इस प्रकार यदि जिस फलन का अवकलन है उसके साथ यदि कोई कॉन्स्टेंट भी हो तो उसको भी टी के रूप में मान लेना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमारे पास है x इंटू में साइन 2x² प्लस में t, इसको मान लेते हैं i के इक्वल। अब यदि आप देखें तो एक्स स्क्वेयर का अवकलन हमारे पास है बिना कांस्टेंट के, तो हमारे पास 2x² और प्लस जो 3 है इसको भी हम लोग टी के साथ ही मान लेंगे, क्योंकि इससे लास्ट आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें बिना कांस्टेंट का विचार किए फलन को हमने हमेशा टी मानना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम लोग 2x² प्लस 3 को मान लेते हैं टी, जिसका अवकलन करें तो 2 कांस्टेंट, x² का अवकलन 2x, 3 का अवकलन 0 नहीं लिखेंगे, dx के साथ गुणा, t का t के सापेक्ष 1 और गुणा कर देंगे dt के साथ। लेकिन हमारे पास 2 × 2 इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ रखेंगे x और dx और 4 का भाग दूसरी तरफ लगा देंगे तो बन जाएगा 1/4 dt। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन जो बनेगा उसमें x और dx के स्थान पर आ जाएगा 1/4 dt,
जिसमें 1/4 कॉन्स्टेंट है और dt को अंदर रखते हैं। साइन के अंदर वाले पद को हमने मान रखा है t, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन t और dt। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करें तो 1/4 कॉन्स्टेंट साइन का इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस कॉस, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, t का मान यदि पुनः प्रतिस्थापित करें तो बन जाएगा कॉस 2x² प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो हम जब भी इस विधि के प्रयोग से समाकलन करेंगे तो जिस फलन का अवकलन हमारे पास मौजूद है उसमें हमें कॉन्स्टेंट का ध्यान नहीं देना है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। यानी जब कॉन्स्टेंट का फ़र्क हो तो भी आप t मान सकते हैं, और यदि इस जिस फलन को t मान रहे हैं उसके साथ गुणा में या जोड़ में या घटाव में या भाग में कोई अन्य कॉन्स्टेंट हो तो भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना सीख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग एक ऐसे फॉर्मूले को याद करेंगे जिसका बार बार हमें यूज़ करना है, तो इसको एक फॉर्मूले की तरह भी याद कर सकते हैं और एक इंटीग्रेशन की तरह भी। और ये फॉर्मूला होता है कि यदि हमारे पास इंटीग्रेशन में f(x)/fx हो, यानी कि नीचे वाले फलन का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद हो, हर के पूरे अवकलज का मान अंश में उपस्थित हो, तो उस स्थिति में इसका आंसर बनता है log और हर का फलन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन मैं एक बात पे फिर से इसमें जोर दूंगा कि नीचे वाले फलन का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद होना चाहिए। अगर कोई कॉन्स्टेंट की कमी है तो उसको गुणा भाग करके आप पूरी कर सकते हैं, लेकिन जब नीचे का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद होगा तो ही इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे, और उसका आंसर बनेगा नीचे वाले फलन के आगे log लगा देंगे, आपका कंप्लीट आंसर। अब ये जो सूत्र है ये कहाँ से आया है इस बात का देते हैं प्रूफ। तो हमने दिए गए इंटीग्रेशन को नाम दे दिया i, और अब fx को मान लेते हैं t, क्योंकि उसका अवकलन f'x हमारे पास मौजूद है। तो इसका अवकलन करें तो f'x गुणा dx, t का अवकलन 1 गुणा में dt। तो इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, ऊपर वाले पद के स्थान पर हमारे पास आ जाएगा dt, और नीचे वाले पद को हमने मान रखा है t, तो बन जाएगा 1/t, और 1/t 1/x के जैसे काम करता है, और 1/x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं बन जाता है log x प्लस c। तो इस आधार पर इसका मान बन जाएगा log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t जो हमने मानी हुई चीज थी उसको ख़त्म कर देते हैं, तो बन जाएगा उत्तर log t का मान fx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस प्रकार इस अत्यंत महत्वपूर्ण फॉर्मूले को आपने हमेशा याद रखना है, जब नीचे का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद हो तो उसका आंसर बनता है log fx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इस log fx वाले सूत्र के आधार पर हम 4 नए सूत्र याद करने वाले हैं, जिसमें होगा sec x, cosec x, tan x और cot x का इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हम फर्स्ट ले रहे हैं cot x का इंटीग्रेशन, और इसको सॉल्व करने के लिए हम कोट को बदलते हैं कोस और साइन में, तो कोस बटे साइन इंटीग्रेशन dx। यदि आप इस इंटीग्रेशन में ध्यान दें तो नीचे का पूरा अवकलन यानी साइन x का पूरा अवकलन कोस x ऊपर मौजूद है, तो इसका आंसर बन जाएगा नीचे वाले फलन के आगे log लगा दिया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस आधार पर हमारा जो सूत्र बनेगा वो बन जाएगा कि यदि हम कोट x का इंटीग्रेशन करें डायरेक्ट, तो उसका आंसर बन जाएगा log sin x प्लस c। अभी तक हम लोगों को सिर्फ cot x का जो अवकलन है उसके बारे में जानकारी थी, लेकिन cot x के समाकलन के बारे में जानकारी नहीं थी। तो इस पॉइंट के बाद हम लोग cot x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी याद रखेंगे। दूसरा है, यदि हमें tan x का इंटीग्रेशन करना हो तो इसको भी पूर्व की भांति हम लोग sin और cos में बदल देते हैं, तो बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। लेकिन अब नीचे का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद नहीं है, क्योंकि कोस का अवकलन बनता है माइनस साइन, लेकिन ऊपर है सिर्फ प्लस साइन। तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए हम इसके अंदर माइनस और माइनस का कर देते हैं गुणा, क्योंकि ओवरऑल माइनस और माइनस का गुणा बन जाएगा प्लस। अब यदि हम देखें तो नीचे का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद है, कोस का अवकलन माइनस साइन, तो इसका आंसर बन जाएगा बाहर एक माइनस है
उसके बाद नीचे का पूरा अवकलन ऊपर होने की वजह से बन जाएगा log cos x प्लस सी, जो कि फर्दर चेंज हो सकता है। इस माइनस को माइनस एक समझते हुए cos के ऊपर लगा देते हैं घात, तो बन जाएगा log cos x की पावर माइनस एक प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। cos x की पावर माइनस एक का मतलब बन जाएगा एक बटे cos x, और एक बटे cos x होता है sec x, तो ओवरऑल आंसर बनेगा log sec x। इस आधार पर यदि हम tan x का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका आंसर बनेगा log sec x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको भी हम डायरेक्ट याद रखेंगे। अब तक हमें tan x के इंटीग्रेशन के बारे में पता नहीं था। नेक्स्ट हम लोग sec x का इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले हैं और उसको सीधा याद रखेंगे। इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोग अंश और हर में sec x प्लस tan x का गुणा कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप ऊपर वाले पदों का आपस में कीजिए गुणा, पहले इनका गुणा करके लिख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा sec x इंटू में tan x प्लस इनका गुणा करूं तो sec स्क्वायर x, और बटे में है sec x प्लस में tan x इंटीग्रेशन dx। अब यदि आप ध्यान देंगे तो नीचे का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद है। sec का अवकलन बनता है sec प्लस tan, बीच में प्लस, और tan x का अवकलन बन जाता है sec स्क्वायर x। तो इस आधार पर इसका आंसर बन जाएगा log sec x प्लस में tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आज के बाद हम लोग अगर sec x का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका आंसर लिखेंगे log sec x प्लस tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसका एक और सूत्र भी है जो होता है log tan पाई बटे चार प्लस एक्स बटे दो। तो इन दोनों सूत्रों को हम याद रखेंगे। दूसरा सूत्र sec और tan को sin cos में बदल कर ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा cosec x का इंटीग्रेशन, और इसको भी हम सॉल्व करने के लिए sec x के भांति ही अंश और हर में cosec x माइनस cot x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन पदों का आपस में गुणा करते हैं। पहले लिखते हैं माइनस cosec x इंटू cot x को, और प्लस में लिख देते हैं दूसरे पद यानी कि cosec स्क्वायर x को। बटे में जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं, वो है cosec x और माइनस में cot x, ये इंटीग्रेशन और dx। यदि आप ध्यान दें तो नीचे का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद है, cosec x का माइनस cosec cot, बीच में माइनस, कोट का बनता है माइनस को सेक्स स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। तो इस आधार पर नीचे का अवकलन ऊपर मौजूद है तो इसका आंसर बन जाएगा log cosec x माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम cosec x का सीधा इंटीग्रेशन याद करना चाहें तो उसका उत्तर होगा log cosec x माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसका एक सूत्र और भी होता है log tan, sec में था पाई बटे चार प्लस x बटे दो, इसमें पाई बटे चार ना आके सिर्फ आएगा x बटे दो प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दूसरा सूत्र आप cosec और cot को sin cos में बदल कर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने चार नए फॉर्मूले सीखे हैं आज, जिसमें है tan x, cot x, sec x और cosec x का इंटीग्रेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।